हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से द नॉलेज गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी के लिए हरियाणा का कोरोना अपडेट लेकर आ गया हूँ। वीडियो को आप सभी को पूरा देखना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक वीडियो पर प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा में एक ही दिन में कोरोना के 75 मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीज की संख्या हुई है 517। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 18 के रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति की रोहतक पीजीआई में मौत हो गई है। उसे 30 अप्रैल को रोहतक पीजीआई में लाया गया था। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 517 पहुंच गया है। एक ही दिन में 17 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की वजह से सोमवार को 6वीं मौत हो गई है। फरीदाबाद में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज 257 है, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में 254 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में सोमवार को सोनीपत में 29, अम्बाला में 23 और झज्जर में 14 नए मामले सामने आए हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकले। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और एक वीडियो पर प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लीजिए।